उधर कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को एक चिट्ठी लिखी। 8 पन्ने की अपनी इस चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया है। पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। कृषि मंत्री ने आगे लिखा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे और देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्होंने लिखा कि किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।